तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं मैच नंबर 27 की प्लेइंग 11 लेकर। मैच नंबर 27 शानदार होने वाला है। आईपीएल 2022 का सुपर सैटरडे होने वाला है दिल्ली और आरसीबी के बीच। प्लेइंग 11 में आपको बताऊंगा दिल्ली की सबसे पहले, उसके बाद में आरसीबी की बताऊंगा। दिल्ली को बहुत बड़ी खुशखबरी आज के मुकाबले में मिलने वाली है, धांसू खिलाड़ी वापस आने वाला है। बस सबसे पहले पॉइंट टेबल बता देता हूँ। पॉइंट टेबल में दिल्ली अभी 8वें नंबर पर है, 4 ही मुकाबले खेली है, 2 जीती है, 2 हारी है। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि उसका रन रेट प्लस में है, ये दिल्ली के साथ प्लस पॉइंट है। अब मैं आपको फटाफट दिल्ली की प्लेइंग 11 बता देता हूं। दिल्ली के लिए खुशखबरी है, दिल्ली वालों, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पृथ्वी शो बिल्कुल यहां पर रहेंगे, पृथ्वी शो रहेंगे, डेविड वॉर्नर रहेंगे और वॉर्नर के साथी भी रहेंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन से साथी रहेंगे। तो देखिए, पृथ्वी शो, डेविड वॉर्नर पर मैं चाहता हूं कि आरसीबी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ, क्योंकि आरसीबी में भी आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आरसीबी के खिलाफ मजबूत गेंदबाजी लाइनअप है, उसके खिलाफ इन दोनों को बढ़िया करना पड़ेगा अगर दिल्ली को जीतना है तो, सबसे पहले। उसके बाद में ललित, देखिए ललित को मैं चाहता हूं कि ललित को खिलाया जाए। ललित ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी दिल्ली के लिए की है और अच्छा रंग में, टच में नजर आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ललित को खिलाया जाए। ललित को रखिए, बहुत बेहतर खिलाड़ी है। किस पोजीशन पर रखेंगे वो दिल्ली वाले अपने आप जाने। मेरे हिसाब से ललित जब एक खिलाड़ी आ जाएगा तो ललित शायद नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर पंत देखिए नंबर 4 पर तो रहेंगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिए एक खिलाड़ी थे रोमन पावेल, पावेल लगातार ऊपर बल्लेबाजी भी कर रहे थे, उनको खिलाया जा रहा था, उनकी जगह आएंगे कौन आएंगे, दिल्ली का धुरंधर खिलाड़ी कौन, मार्श, मिचेल मार्श आने वाले हैं। इस मैच में मार्श आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मार्श वापस आ चुके हैं और मार्श जब आएंगे तो धुआंधार एकदम बल्लेबाजी नजर आएगी दिल्ली कैपिटल की। एक बहुत बेहतर खिलाड़ी है, इनफॉर्म खिलाड़ी है, अपने दम पर मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी है, इसीलिए मार्श आएंगे वापस। मार्च को मैं चाहता हूं कि आप ऊपर खिलाइए, मैं चाहता हूं कि नंबर 3 पर मार्च को खिलाइए, ललित को आप नंबर 5 पर ले आइए। मेरे हिसाब से मार्च को ऊपर खिलाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर उस तरह का काम हो नहीं पा रहा है। तेज गति से रन, देखिए जो आपकी टीम का सबसे बेहतर खिलाड़ी है, सबसे धुआंधार खिलाड़ी है, उसको ज्यादा से ज्यादा खेलने का, गेंद खेलने का मौका दीजिए तो आपकी टीम के लिए बेहतर होगा, रन ज्यादा बनेंगे, प्रेशर कम आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मार्च को नंबर 3 पर खिलाइए, ललित को नंबर 5 पर ले आइए, एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऋषभ पंत बीच में है, उसके बाद में अक्षर पटेल आपके पास और हो गए, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन हो गया। निचले क्रम तक आपके पास बल्लेबाजी होगी, अक्षर पटेल है, उसके बाद में आपके पास ठाकुर साहब भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, ठाकुर जी भी बहुत बढ़िया बल्लेबाज चलाते हैं, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी, तो ठाकुर साहब नंबर 7 तक आपके पास बल्लेबाजी होगी, तो एक शानदार एक कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पर सरफराज खान भी हैं, सरफराज खान एक और बल्लेबाज है, तो आपके पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी होगी। ये एक बहुत प्लस पॉइंट है दिल्ली के पास, दिल्ली के पास बल्लेबाजी बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड बल्लेबाजी है। उसके बाद में देखिए कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार बेहतर गेंदबाजी कुलदीप यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी कर, विकेट लगातार ले रहे हैं। उसके बाद में खलील अहमद, खलील अहमद ने जिस तरीके की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट में की है, बहुत शानदार काबिले तारीफ गेंदबाजी खलील अहमद ने इस टूर्नामेंट में पूरे में किया, विकेट ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, विकेट ले रहे हैं, विकेट चटकाना किसी भी गेंदबाज की जो कला होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, तो खलील अहमद जो है वो विकेट चटका पा रहे हैं, तो दिल्ली के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है। और उसके बाद में मुस्तफिजुर, तो मुस्तफिजुर के लिए मुस्तफिजुर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट मुस्तफिजुर रहमान भी ले रहे हैं, तो दिल्ली की गेंदबाजी मुस्तफिजुर है, खलील अहमद है, कुलदीप यादव है, शार्दुल ठाकुर है, अक्षर है, मार्श भी गेंदबाजी करेंगे, तो ये एक बेहतर गेंदबाजी लाइनअप दिल्ली के पास हो गया। स्पिन के साथ साथ तेज गेंदबाजी का एक अच्छा कॉकटेल दिल्ली के पास अब तैयार हो जाएगा जब मार्श वापस आ जाएंगे, और बल्लेबाजी तो भाई साहब 8वें 9वें नंबर तक हो गई है दिल्ली के पास, तो ये एक प्लस पॉइंट दिल्ली के पास है कि बल्लेबाजी बहुत सॉलिड हो गई है अब मार्श के वापस आने के बाद, और एक अच्छी टीम दिल्ली बन गई है, मैच विनिंग टीम बन गई है, बहुत सॉलिड टीम दिल्ली बन गई है। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आरसीबी के खिलाफ जब मैदान पर उतरेगी तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ उतरे, पृथ्वी शॉ, डेविड वॉर्नर बेहतर शुरुआत दें, तब दिल्ली के लिए कुछ बेहतर हो सकता है, वरना आरसीबी की टीम भी बहुत मजबूत है। तो आज 50-50 का मुकाबला रहेगा, दोनों टीमें बहुत शानदार है, उम्मीद करेंगे कि दिल्ली में जब मार्श वापस आए हैं तो मार्श कुछ बेहतर शॉट्स दिखाएं, क्योंकि आईपीएल में तमाम जो लोग हैं वो चौके छक्के देखने के लिए ही आते हैं, तो दिल्ली की टीम में वो खिलाड़ी हैं जो अपने खेल से दर्शकों का मन मोह लें। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, मार्श के वापस आने से आप
दिल्ली को कितना मजबूत देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पर भेजना चाहिए, अपनी प्लेइंग 11 भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको हमारी टीम कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो लेंगे आपको हमारी जानकारी मिल जाए।